hello everyone welcome in e-learning classes today we will discuss about chapter number 8 in history the tribal communities in which we will know what were the conditions of tribal people in medieval india Bita, are indian society having so many changes during the medieval period and there were two types of society one was the caste based society in which people were divided into high or low caste according to their birth and this rule was made by brahmans there was a huge gap between the high and low caste group children the other was the tribal society which did not follow the caste rule laid down by the brahmans and tribal societies

तो भी ऐसे बहुत सारे ट्रैवल पीपल्स थे जो कि बहुत फेमस थे अहोम्स गोन्स ठीक है द ईस्टर्न पार्ट इन आर सब कॉन्टिनेंट देर आर सो मैनी ट्रैवल पीपल लाइक इन बिहार इन झारखंड ऑल्सो चेरोस ट्राइबल ये कुछ ऐसे मैंने नाम बताए हैं जो ट्राइबल ग्रुप बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे बिटर ट्राइबल पीपल टू मच क्लोज विद नेचर एंड नेचर के क्लोज वो क्यों रहते थे बिकॉज दे यूज टू लिव एट दौंड्री एरिया या वी कैन सेंगल स्पेशन वी कैन से वो एरिया स्पेशली ट्राइबल पीपल चूज किया करते थे जो एक तरह की बाउंड्री हुआ करती थी शहर से फॉरेस्ट को जोड़ता हुआ जो बाउंड्री का एरिया हुआ करता था ट्राइबल पीपल उन एरियाज को ज्यादा चूज किया करते थे रहने के लिए वाय सो so दैट जो भी मटेरियल जो भी प्रोडक्ट उनको फॉरेस्ट से मिले वो अपने नियर बाय एरिया में जाकर उसको सेल कर सके ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स टोटली फॉरेस्ट में ही रहते थे और उनको शहर से मतलब नहीं था बट उनकी सोसाइटी अलग थी एंड देयर सोसाइटी वॉज टोटली चेंज जो हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा की तरह जो सोसाइटी बनी हुई थी उस टाइम उस सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी बिल्कुल चेंज हुआ करती थी दे हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन देयर डिफरेंट एथिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स सो दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी बेटा

डिड नॉट इजीली आउटसाइडर इन टू देरिया जब कोई बाहर का पर्सन सोसाइटी में जाता है तभी वहां के बारे में वो डिस्कस करता है या बात करता है बट होता क्या था ये जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे वो किसी भी आउटसाइडर को अपने एरियाज में आने नहीं दिया करते थे एंड ट्राइबल पीपल जनरली लिव इन रिमोट एरियाज रिमोट एरिया इन द सेंस वो एरिया जहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था एंड देयर एरियाज वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीच वो इतने डेंस फॉरेस्ट में रहा करते थे कि वहां तक लोगों का पहुंचना भी मुश्किल होता था दैट्स व्हाई उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारी हिस्ट्री में बहुत ही कम मिलते हैं स्पीशीज ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी और ट्राइबल पीपल चिल्ड्रन members of tribal people follow different type of occupations such as hunting gathering farming harding, fishing so these were few occupations on which they were dependent agriculture was the main occupation of the people during early and later vedic age and some tribal were nomadic moving from one place to another some of the tribals were engaged in agriculture but it should uh, it should be said that agriculture was the main occupation for them apart from this they have different type of entertainment mode also they used to travel from different places they used to travel from place to place and selling their goods of so like uh, entertaining people एंड विद सॉन्ग एंड फोक टेल्स तो इस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हुए घूमने का भी काम किया करते थे ट्राइबल पीपल तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्युपेशन देर वर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स एंड ईच है इन नॉर्थ वेस्ट

इन in ईस्ट इंडिया चेरोज मुंडा संथालाज खासीज नागाज अहोम ये मैं कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बता रही हूँ आपको जो मेडिवल इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे पावरफुल हुआ करते थे चिल्ड्रन देयर आर ओवर 700 हंड्रेड ट्राइब्स व्हिच हैव बीन नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342 फोर्टी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे आर सेपरेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री ट्राइवल पीपल जो है उनके हक के बारे में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ये आप एट्थ क्लास में पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा कहीं कहीं पर वी कैन से कि बहुत पावरफुल बन चुके थे उन्होंने अपना कब्जा तक जमा लिया था बहुत एरियाज में लाइक like, उनमें से गोन्स एंड का नाम सबसे ज्यादा जाना जाता है फ्यू नेम्स आर रिटन हियर लाइक इन अंडमान एंड निकोबार ठीक है अंडमान एंड निकोबार के डिफरेंट एरियाज में और भी अलग ट्राइबल पीपल थे जो कि पावरफुल थे देवर लाइक झारवा कमार कादर तो दीज आर फ्यू नेम्स ऑफ ट्राइबल पीपल जो अपने टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करते थे लाइफ ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप चिल्ड्रेन Nomads are known as a group of communities who travel from place to place. A nomad is a member of a community without fixed habitation which regularly moves to and from the same areas also. Such groups include hunter gatherers also, and uh, like uh, most of the tribal people were nomads. जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे ये ज़्यादातर हुआ करते थे। वो अपने अपने एनिमल्स के के साथ अपने सारे के साथ सारे सामान जगह जगह घूमा करते थे और जब उनका सारा सामान खत्म हो जाता था उनके एनिमल्स के लिए जो भी चारा वगैरह हुआ करता था वो खत्म हो जाया करता था देन अगेन देयर न्यू हैबिटेशन

इन जंगल्स जो डेंस तो हो लेकिन वहां से वो अपने जो उनके आसपास के एरियाज जो आसपास के गांव हुआ करते थे उनकी बाउंड्री के आसपास हो सो so जाके अपने मटेरियल्स को सेल कर सके वट दे यूज टू एक्सचेंज एक्सचेंज मिल्क हनी वूल घी एंड सोन सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट ऑल्सो बेटा अबाउट बंजाराज अबाउट दीज ऑल ट्राइबल ग्रुप्स अबाउट देयर आर्टिकल्स एंड किस तरह से उनकी लाइफ को ब्रिटिशर्स के आने के बाद चेंज कर दिया गया यू विल रीड अबाउट इट इन एट्थ क्लास चिल्ड्रन एक्चुअली इन ट्राइबल्स में ही बंजाराज भी हुआ करते थे बंजाराज आर ऑल्सो कॉल्ड नोमैड्स हु यूज टू ट्रेवल फॉर ट्रेड जो ट्रेड करने के लिए अपना ट्रेड करने के लिए वो ट्रेवल किया करते थे दे यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड दे यूज टू ट्रेवल विद्राइबल ग्रुप्स जो एक बड़ी फैमिली के साथ अपने फैमिली के साथ एक बड़े ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के लिए सफर किया करते थे दोज वर कॉल्ड बंजाराज ठीक है एंड दीज बंजाराज जो ये बंजाराज हुआ करते थे इनका वर्क क्या होता था ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे फॉरेस्ट मटेरियल्स हुआ करते थे इनको गांव में शहरों में ले जाकर सेल किया करते थे ठीक है? नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बेटा विद टाइम ट्राइबल ग्रुप्स वर एक्सपोज टू न्यू कल्चर एंड एज अ रिजल्ट दे स्लोली बिगिन टू

को छोड़कर उन्होंने एक ही जगह पर रहना शुरू किया एंड वन मोर थिंग दे स्टार्टेड टू लीव देयर आइसोलेशन आल्सो जो वो आइसोलेटेड होकर रहा करते थे डेंस फॉरेस्ट में इस चीज को भी उन्होंने छोड़ा तो इससे क्या हुआ कि जो ये ट्राइबल पीपल हुआ करते थे इनमें से कुछ ग्रुप्स तो ऐसे भी हो गए विच वर वेरी मच डोमिनेटेड तो वो किस तरह से डोमिनेटेड हुए उन्होंने अपने खुद के राज्य बना लिए उनके खुद के बड़े बड़े कबीले हो गए उन्होंने एक अपना सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि आने वाले समय में ये ट्राइबल लोग जो हुआ करते थे इनके वॉर्स भी हुए हैं बहुत सारे किंग्स के साथ वी विल रीच ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो ठीक है वी विल सी दैट Just now I had told you about that in medieval time

जो ये गोंड ट्राइब हुआ करता था इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है रानी दुर्गावती को शी वाज अ वेरी फेमस लेडी इन आवर हिस्ट्री रानी दुर्गावती वाज अ ब्रेव गोंड क्वीन हु रिफ्यूज व्हाट शी हैड रिफ्यूज एक्चुअली उसका एंपायर अकबर के सामने उसने एंपायर अकबर ने जब उसके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर रानी दुर्गावती उसकी बातों को मान जाए तो एंपायर उसके साथ बैटल नहीं करेगा लेकिन उसने क्या किया कि किसी भी हालत में उसने uh, अकबर की बातों को नहीं माना एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट थ्रेलिंग पर्सनैलिटी शी वॉज एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हजब हर लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हसबेंड शी बिगेन टू रूल एज द रीजेंट ऑफ हर माइनर सन अकबर हु द किंग अकबर के बारे में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर फाइव में पढ़ा चुकी हूँ एंड अकबर ऑफर्ड हर दिकमिंग attacked घर कथंगा घर कथंगा क्या था घर कथंगा was one of the most powerful kingdom of its time. अपने टाइम में जो इसका सेंट्रल वी कैन वी कैन कॉल ऑल्सो कैपिटल ऑफ गोन्स ऑल्सो जो इनका कैपिटल हुआ करता था दैट वॉज घर कथंगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है गोन्स के लिए तो अकबर ने क्या किया था 1565 में उसने घर कथंगा पर अटैक किया एंड रानी दुर्गापति पुट शी डाइड देयर फाइटिंग लड़ाई करते करते फाइटिंग करते करते शी डाइड देयर। दैट्स वाई रानी दुर्गावती का नाम जाना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये जो था घर का थंगा घर का मतलब होता था जो छोटे छोटे घर हुआ करते थे किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घर एंड ईच घर वॉज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस चौरासीज

That is चौरासी। उसको चौरासी बोला जाता था एंड किंग... ऑल किंगडम डिवाइडेड इन टू घर जो छोटे घर के नाम से बुलाया जाता था बेटा द गोन्ंगडम वॉज वेरी मच रिच अनएक्सपोर्टेड एलिफेंट्स ऑफ टू अदर किंगडम्स इंक्लूडिंग मुगल्स ऑल्सो एलि एलिफेंट्स तक एक्सपोर्ट करते थे ये And one of the reason why decided to invade was his desire to capture these resources. Deekho, ye jo tha na, natural resources natural थे और ये सभी बहुत ही important natural resources हुआ करते थे बहुत ही rich dynasty बन गई थी ये That's why अकबर इसको क्या करना चाहता था capture करना चाहता था That's why he attacked on गोन्स One more tribal group who was very much dominated that was Ahoms. Beta, the Ahoms were the tribal people who migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century, and they created a new state by surprising the older political system of the uh, Buddhians. Children, the Ahom Dynasty. ये जो अहोम डायनेस्टी थी वर अ ट्राइबल कम्युनिटी हु स्टेबलाइज्ड अ किंगडम इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे असम ठीक है एंड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ अहोम्स मे हैव बीन चाइना फ्रॉम देयर दे माइग्रेटेड टू बर्मा जो कि जिसको म्यांमार बोला जाता है आज इन 13th सेंचुरी दे केम टू असम एंड उसके बाद से ये असम में ही सेटल हो गए और असम में ही अहोम के नाम से ये जाने जाने लगे

डेडरीज बाई डिफीटिंग द लोकल रूलर एंड दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द मुगल्स औरंगजेब मैनेस टू कॉन् घर गांव घर गांव क्या था घर गांव मेन एरिया था अहोम्स का ठीक है तो जिस तरह से घर का थंगा इंपॉर्टेंट हुआ करता था गोन्स के लिए उसी तरह से अहोम्स के लिए घर गांव इंपोर्टेंट हुआ करता था एंड दैट वॉज द कैपिटल ऑल्सो तो वहां पर क्या हुआ था औरंगजेब ने पूरी कोशिश की थी वहां उसको कॉन्क्योर करने की उसको काबू में करने की उसको कब्जा करने की बट वॉज अनेबल टू कीप इट अंडर हिज कंट्रोल फॉर लॉन्ग एंड दैट्स अहोम एज वेल फॉर मुगल्स ऑल्सो एट द वेरी लास्ट दे रूल एज अ ऑल्सो बेटा रुद्र सिंह वॉज द मोस्ट पावरफुल अहोम रूलर एंड ही रूल्ड फ्रॉम सिक्सटीन नाइनटी सिक्स टू सेवनटीन फोर्टीन ही एंड द लेटर रूलर्स कंप्लेन दुराजीज ऑफ अहोम हिस्टोरिकल वर्क इन नाइनटीन सेंचुरी पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया और उसके बाद से क्या हुआ था अहोम्स जो थे वो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में बट गए और फिर असम के ही अलग अलग पार्ट में रहने लग गए तो ये क्या मैंने आपको बताया ये मैंने पूरा आपको अहोम्स के बारे में बताया बेटा इस चैप्टर में हमने केवल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा ठीक है एंड ट्राइबल पीपल जो हुआ करते थे वर नॉट लेस इंपॉर्टेंट वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे जितना कि हमारी प्रेजेंट सोसाइटी हुआ करती थी बट देयर रिचुअल्स देयर लिविंग स्टाइल एवरीथिंग थिंग वॉज चेंज फ्रॉम द सोसाइटी थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स I hope this video will be useful for you. Thank you.